हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंट माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे फिर से दो नए एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पीएचडी के। एंड ये सेशन 2023-24 का है, जिसमें कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, यानी कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, एंड हम एक स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। ये छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म दोनों रहेगा, तो हम ब्रीफ में ही जल्दी से जल्दी आपको डिस्कस कर देंगे। अंतिम तिथि 1 की 13 नवंबर है एंड 1 की अगस्त में ही है। अप्लाई आप ऑनलाइन करेंगे दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में, सारी डिटेल्स आपको देते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप देखने चाहते हैं कि कितने इस समय चल रहे हैं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, सभी हमारी वेबसाइट पर अभी अपडेट कर दिए गए हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वेबसाइट का, constantsmind.com, वहाँ पर आप जाके ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लेने हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो सभी सब्जेक्ट के, लॉ, हिंदी, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मतलब साइंस से, ह्यूमनिटीज से, आर्ट्स से, सोशल साइंस से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट से, सभी के सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सबका अलग अलग, वहाँ से आप जाकर उस पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन पढ़िए। पढ़ने के बाद वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया गया, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ भी लीजिए हमसे, फिर आप वहाँ पर परचेज करेंगे। जैसे ही आप परचेज करेंगे, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं परचेज करने के बाद भी, तो हम आपको सेंड कर देंगे वो लिंक, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, MJPRU बरेली, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसमें जो है प्री पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन एक आया था, उसे हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हो, MJPRU डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट JRF वाले हैं या किसी प्रकार के अन्य शोध अध्यावृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त यानी कि फेलोशिप कोई भी है, स्कॉलरशिप है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो शोध प्रवेश में इच्छुक हों, वो दिनांक 16 अगस्त 2023 तक विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। संपूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है, पर संपूर्ण विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है, यही नोटिस ही अवेलेबल है। बट हम आपको साइट का लिंक दे देंगे, आप जाके इसमें करना चाहो तो कर सकते हो, जो JRF वाले हैं या कोई फेलोशिप वाले हैं। तो ये पीएचडी में एडमिशन का है, ठीक है, आप इसमें जो JRF वाले हों, किसी प्रकार की फेलोशिप होल्ड कर रहे हो, तो वो जाके आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी डिटेल्स अवेलेबल पूरी तरह से है नहीं, हमने वेबसाइट पर चेक किया था, आप भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 1/8/2023 का नोटिफिकेशन ही आया हुआ था। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ये इसकी वेबसाइट है, न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आप आएंगे, नीचे देखेंगे 1/8/2023 की ये नोटिस फॉर एडमिशन करके आया हुआ था, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से है। अगर आप इसमें सब्जेक्ट वगैरह देखना चाहते हैं तो रिसर्च एरिया ऊपर ये लिखा गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्रीकल्चर, आर्ट, आयुर्वेद, इन सब में आप क्लिक करके रिसर्च एरिया चेक कर सकते हैं। आप जिस रिसर्च एरिया में चाहो उसमें आवेदन कर सकते हो। सुपरवाइजर्स की डिटेल्स भी अवेलेबल है, तो ये भी आप देख पाओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, मतलब कुछ डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, और जिससे आपकी, आपको सुपरवाइजर का यहाँ पर नाम और नंबर दिया गया है, आप उनसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है तो हेल्पलाइन भी ऊपर दी गई वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम दूसरी वेबसाइट दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, NLU दिल्ली। इसमें AILET, मतलब ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन होता है, साथ में JRF वाले भी यहाँ पर कर सकते हैं, एंड उनको AILET देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिली जाएगी। ये एक सेंट्रल या नेशनल यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो इंडिया की, एंड ये दिल्ली में है, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए। इसमें आप एडमिशन का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये आप देख सकते हो, AILET एडमिशन सेक्शन आपको दिख रहा है। यहाँ से आप जाके डायरेक्ट वेबसाइट पर चले जाएंगे, तो सिंपली आपको AILET एडमिशन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है, तब आप वेबसाइट पर चले जाएंगे एडमिशन के। फिर आप यहाँ आओगे, ये आप देख सकते हो NLU का ये कैंपस व्यू है, एंड ये लॉ के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये आप नोटिफिकेशन सेक्शन में देखोगे AILET 2024 नोटिफिकेशन, तो ये 2024 का नोटिफिकेशन है, ये आप देखिए, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त यानी कि आज से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट 13 नवंबर 2023 है। 20 नवंबर 2023 को एडमिट कार्ड मिलेगा, 10 दिसंबर 2023 को ये आपका एग्जामिनेशन होगा AILET का, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हो तो आप रजिस्टर पर क्लिक करके अपना आवेदन कर सकते हैं। हम इसके डिटेल्स दिखाते हैं आपको। तो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का नोटिफिकेशन था, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है सीधा सीधा ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये इसमें
BLLB, LLM या एंड PhD प्रोग्राम सभी के लिए है, और ये 2024-25 सेशन का है। दिसंबर 10, 2023 को ये होगा ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। और द एडमिशन नोटिस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल फ्रॉम अगस्त 7। अब इसमें सीटें वगैरह भी देख लीजिए, तो यहाँ पर डेट ऑफ AILET आप देख सकते हो, यहाँ पर कहा जा रहा है टू बी कंडक्टेड ऑफलाइन, मतलब ये ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। सेंटर्स इसके अलॉट होंगे और मैक्सिमम जगह सेंटर होते हैं, देख सकते हो आप टेस्ट सिटीज़ बेंगलुरु, बिलासपुर, मतलब कि मैक्सिमम सिटीज़ में ये कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी 3500 है, PWD SC ST का 1500 है। अगर आप SC ST बिलो पावर्टर लाइन या BPL वाले हैं तो आपको किसी प्रकार की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, आप फीस से एग्जम्प्ट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सेट टेक सेंटर जो हैं, यदि 100 कैंडिडेट्स से कम एक सेंटर पर रहते हैं तो ये सेंटर क्रिएट नहीं किया जाएगा, दूसरे सेंटर से अलॉट हो जाएंगे। PhD लॉ PhD प्रोग्राम हम देखेंगे, तो PhD इन लॉ में आपकी एलिजिबिलिटी LLM, आपका LLM होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट लॉ डिग्री, अगर लॉ की PG डिग्री, मतलब PG आपने लॉ से किया हो या आपने LLM किया हो 55% मार्क्स में, तो आप एलिजिबल हो। 50% SC ST OBC का रहेगा, ठीक है। PWD EWS वालों को 5% की इसमें छूट मिल रही है। टोटल सीट 27 है, जिसमें कि UGC JRF वालों के लिए 5 सीट है। AILET मेरिट्स के बेस पे 16 सीट है, मतलब JRF जो है लॉ में वो 5 सीट उनके लिए रिजर्व है, उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की ये मतलब AILET देने की ज़रूरत नहीं है। और जो AILET के थ्रू जा रहे हैं, मतलब जिनका JRF नहीं है, वो 16 सीट में उनके लिए 16 सीट है, ठीक है। और AILET की जो फेलोशिप है उसका 4 सीट है, एंड फॉरेन नेशनल्स की 2 सीट है, कुल मिला के 27 सीट है, ठीक है। और इसके बाद PhD इन सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, इसकी भी 4 सीट टोटल है, जिसमें कि UGC JRF, AILET, फॉरेन नेशनल फेलोशिप। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि फॉरेन नेशनल्स एंड UGC JRF कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम AILET, ठीक है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, तो किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो, वैसे बहुत टफ नहीं है, आप इसमें अगर समझ पा रहे हो तो एप्लीकेशन कर दीजिएगा। लॉ के लिए बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।